السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع قال النبي صلى الله عليه وسلم प्यारे भाइयों और दोस्तों, अजीज साथियों, आज के इस नशिस्तगाह में इंशाअल्लाह ताला कोरोना वायरस के मुतालिक कुछ वाज़ो नसीहत होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफीक दे। मैं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि लाहल आलमीन तू हमें सच और हक बात कहने की तौफीक दे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वलजू। कोरोना वायरस से बचने के लिए अगर आप इस्लामी तालीमात पर अमल करें, बार बार आ रहा है हाथ धोइए, पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़िए, आपको हाथ ऑटोमेटिक धुलना पड़ेगा, कुल्ला आपको अपने हाथ करना पड़ेगा, नाक और सांस लेने से तकलीफ हो सकती है, कोरोना वायरस का असर पड़ सकता है, इसलिए बार बार नाक में पानी डाला जा रहा है, उसको झाड़ा जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए एक एक स्कीम लगाई जा रही है। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, आप गौर कीजिए, आज से 1400 साल पहले इमाम कायनात ने कहा था, जब तुम्हें जमाई आए तो अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया करो और अपने मुंह को बंद कर लिया करो। आज कहा जा रहा है कि मास्क पहनो। लड़कियों का पर्दा, औरतों का पर्दा अपने आप शुरू हो गया। आप देखिए, ट्रेनों में सफर कीजिए, बसों में सफर कीजिए, एक लड़की का भी चेहरा नहीं दिख रहा है, एक औरत का भी चेहरा नहीं दिख रहा है, एक आदमी का चेहरा भी नहीं दिख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, यही तो इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले कहा था, वकरना फी बुयूतिकुन्ना या माशरन निसा। ऐ औरतों, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। वकरना फी बुयूतिकुन्ना या माशरन निसा, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। निकलो तो निगाहें नीची करके निकलो। आज इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाने वाले कैसे मुंह खाए बैठे हुए हैं। आज उनको इस्लाम की तालीमात पर मजबूरन अमल करना पड़ रहा है। बार बार हाथ धुलने की ताकीद की जा रही है, एक मीटर दूर रहने की इजाजत दी जा रही है, एक मीटर दूर खांसने वाले को एक मीटर दूर रहने को कहा जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप गौर कीजिए इन सब चीजों पर और इस्लामी तालीमात पर। बहरहाल खौफ का माहौल तो पैदा हुआ ही है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वलजू, हम तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल डालकर भी पैदा करेंगे, वलजू और भूखा रखकर भी आजमाएंगे, भूखा रखकर। आप देख रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी परेशान है, वलजू हम तुमको भूखा रख कर भी आजमाएंगे, सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जब हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमा सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं आजमाएंगे, जब हम नबियों के सहाबा को आजमा सकते हैं तो तुम किस खेत के मौली हो। और अभी तुम पर भूख का कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं हुआ है जिस तरह सहाबा किराम के दौर में भूख का माहौल छाया था। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमें इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ और इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो जाए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश नहीं होगा तो आज हम परेशानियों के मुतालिक उसका सामना करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि लाल आलमीन तो हम सब मुसलमान भाइयों को
इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम।